गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो टुडे टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर आज जो मैं कवर करने वाला हूँ दैट इज रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट ही है सो रिटायरमेंट प्लानिंग आप कैसे करेंगे व्हाट इज़ रिटायरमेंट प्लानिंग सो माई सेल्फ विवेक प्रजापति लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ माई सेल्फ विवेक प्रजापति बेसिकली मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ मैंने कंपनी सेक्रेटरी क्या रखा हो एल कर चुका हूँ ठीक है और एम बी भी कर चुका हूँ तो मेरा जो मेन ओबिव क्या है कि अच्छा एजुकेशन फाइनेंशियल एजुकेशन सबको दिया जाए दे कैन इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ सो देखिए रिटायरमेंट क्या हर एक आदमी का जो है एक आदमी जो है रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है हर एक आदमी का जो है कहें बच्चे होते हैं फिर ग्रोन होते हैं फिर मेच्योर हो के फिर उनको जो है कि बुढ़ा और बुढ़ी हो के देन दे विल कम टू एंड ठीक है तो इस लाइफ का साइकिल है है ना लाइफ का ये साइकिल है तो बट आपको प्लानिंग इसका पहले करना पड़ेगा सो रिटायरमेंट इज नॉट नॉट द एंड ऑफ द रोड इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ हाईवे भाई रोड आप खत्म कर लिए चलते चलते बट अभी हाईवे आ रहा है रिटायरमेंट के बाद जो है कि हाईवे आ रहा है तो आपका जो है फ्यूचर प्लानिंग वैसे होना चाहिए योर प्लानिंग शुड बी फॉर द फ्यूचरिस्टिक आप अगर प्रेजेंट में आप अगर रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं सोचोगे जब रिटायरमेंट के बाद आप क्या कर क्या हो सकता है आपके साथ कोई आप भी नहीं जान सकते हो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग सही से नहीं करोगे तो आपके लिए फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है यू शुड नॉट और यू यू डोंट हैव मनी टू स्पेंड है ना आपको बहुत सारे ऐसे डिजिट डिजिट भी हो जाता है बहुत सारे ऐसे बीमारी हो सकता है ना तो क्या आप ट्रीटमेंट नहीं करा पाओ है ना आपका फाइनेंशियल मीड को कंप्लाई नहीं कर पाओ इसीलिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा तो रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है टू अचीव द वेरियस लाइफ स्टाइल आपका लाइफ स्टाइल है पर्टिकुलरली आपका कार है बंगला है गाड़ी है खाना खा रहे हो बढ़िया से उसको प्लान करना पड़ेगा सो so, लाइफ स्टाइल जो है आफ्टर रिटायरमेंट जो है आपको अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा पुट योर हार्ड मनी इन पर्टिकुलरली इन फॉर द योर ओल्ड एज आप जो यंग टाइम में जितना पैसा कमाएँ उसको प्रॉपरली यूज़ करना है ताकि आप फ्यूचर में जब रिटायरमेंट टाइम में जो पैसा मिले और जो अभी से आप पैसा को बढ़िया से रखो ताकि रिटायरमेंट के बाद वो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छा से स्मूथली आप अपना रिटायरमेंट काट सको ठीक है तो जिससे एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है भी सेवेंटी टू एटी इयर्स होता है तो आप रिटायरमेंट साठ साल में किए तो बीस साल भी कैसे करोगे हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर मनी दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़रूरी है इसलिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा तो रिटायरमेंट प्लान तो रिटायरमेंट प्लान क्या आर ए सेटिस्फाइड इनकम फॉर पोस्ट रिटायरमेंट भाई इतना आपको पैसा कमा के रखना है जो कि पोस्ट रिटायरमेंट बहुत ही इजी हो सो तो एंजॉय द कंफर्टेबल लाइफ द तो पोस्ट रिटायरमेंट सो तो समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है तो आपको जो है कि फ्यूचर के बारे में सोचना है अभी प्रेजेंट में इतना अर्निंग कर दो कि फ्यूचर बैठ के आप खाओगे तो पैसा नहीं खत्म हो आपको बहुत कंफर्टेबली रिटायरमेंट लाइफ आप जो जी सकते हो सो so, इसको प्लान आज को अभी से करना पड़ेगा ठीक है सो बहुत सारी जो स्टेजेस है जो है रिटायरमेंट प्लानिंग का तो पहले क्या स्टेज है डिसाइड योर इनकम एंड रिक्वायरमेंट है ना, तो आपका जो है कि रिटायरमेंट डिसाइड योर इनकम और रिक्वायरमेंट क्या आपका इनकम है टेक इनटू अकाउंट ऑफ इंक्रीज द मेडिकल कॉस्ट है ना गिफ्ट टू द फैमिली है ना अब फैमिली में जो है कहीं जाते हो मैरेज फंक्शन अटेंड करना पड़ता है तो गिफ्ट देना पड़ेगा भाई आपका बेटा बेटी घर में आएंगे आपको गिफ्ट देना पड़ेगा है ना आजमत जी आएंगे उनको गिफ्ट देना पड़ेगा ठीक है तो कैलकुलेट द लमसम रिसिवेबल है ना क्या क्या आपको मिलने वाला है उसको आपको ध्यान में रखना है यू कोट कैलकुलेट द टर्मिनल बेनिफिट है ना अब रिटायरमेंट के बाद क्या क्या ग्रेचुटी मिलेगा पीएफ मिलेगा ईएसआई मिलेगा है ना उसको भी कैलकुलेट करना है सिलेक्ट द रिटायरमेंट प्लान है ना आपको अभी से रिटायरमेंट का प्लानिंग करना पड़ेगा तो इन्वेस्ट इन द एसेट जो आपको पैसा मिलेगा जो रिटर्न जिसमें अच्छा मिलेगा उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्टार्ट अर्ली है ना एडवांटेज ऑफ गिविंग द टाइम सो आपको जो है कि स्टार्ट अर्ली सो चार चीज़ मैंने आपको बिताया डिसाइड योर इनकम कितना इनकम आपको करना पड़ेगा अभी तो फ्यूचर का क्लोज अच्छा से आप जी सकते हैं मैंने रिटायरमेंट लाइफ एन्जॉय कर सकते हैं कितना लमसम अमाउंट आपको मिलने वाला है कहाँ कहाँ पैसा उसको रखना है ये सब आपको कंसिडर करना पड़ेगा और आपका जो है लाइफ उतना ही रखने के लिए ठीक है सो so, बेसिकली एक कैलकुलेटर है जो रिटायरमेंट प्लानिंग का बेसिकली आपका एज अभी जो है रिटायरमेंट एज साठ होता है जनरली गवर्नमेंट कंपनी में और जनली कोई कंपनी में है, ठीक है और जो साठ साल करंट एज आपका फिफ्टी एट हो रहा है तो अभी से आपको प्लान करना पड़ेगा तो लाइफ स्पेंड कितना सपोज आप एटी थ्री ले रहे हो आपका फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एटी थ्री लिया आप अस्सी ले सकते हो सत्तर ले सकते हो ठीक है तो उसको माइनस कर दोगे तो जैसे एट्टी थ्री आपका लाइन्स पेन है और आपका जो है कि रिटायरमेंट साठ है तो ट्वेंटी थ्री जो हुआ आपका जो है कि रिटायरमेंट के बाद जीना है, है ना आपको और करेंट जो है, है एनुअल एक्सपेंस मैं साल का जो है एक लाख अस्सी आप खर्चा कर रहे हो मंथली मतलब अठारह हज़ार आपको पंद्रह हज़ार आपको एक्सपेंसेस है भाई आपको जो है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने के लिए है ना जैसे आपका घर का खर्चा है खाने के लिए है फैमिली गिफ्ट देने के लिए और बहुत सारे खर्चे मेडिकल वगैरह पंद्रह हज़ार मंथली आप एवरेज है मैं ले आऊँ ठीक है इट कैन बी फिफ्टीन थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड वन लैक्सो डिपेंड ऑन द पर्सन फॉट मे जो जनरल कॉमन पीपल के लिए लिया हूँ एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है बारह परसेंट आप ले लो ठीक है इन्फ्लेशन पाँच परसेंट और आपका जो है रिटर्न जो है सात परसेंट टोटल मैक्सिमम बारह परसेंट आप ले लो तो टोटल रिटायरमेंट पर्पज कितना इक्कीस लाख अप्रोसिमेटली आपको चाहिए तब जाके आप अभी जो है रिटायरमेंट के बाद इक्कीस लाख आपको चाहिए तब आपको मंथली इनकम कितना पंद्रह हजार मिलेगा सो so, टोटल एक कैलकुलेशन है आपको बेसिकली जो है रिटायरमेंट प्लानिंग का टाइम में आप कर सकते हो पहले से आपको ठीक है नेक्स्ट वाई पीपल फेल्स टू रिटायरमेंट प्लान क्यों आदमी जो है फेल होते हैं रिटायरमेंट प्लान के लिए पहला हो गया लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट पर्सनल फाइनेंसिंग के बारे में लोग जानकारी नहीं है दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज पर्सनल फाइनेंसिंग दे डोंट नो टोटली अवेयर नहीं है फाइनेंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग कहाँ पैसा लगाना है कहाँ इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर क्या है बजटिंग क्या है दे डोंट नो ठीक है तो उनके लिए जो है ये समझना पड़ेगा तो वीडियो बेसिकली ऊपर्सन के लिए दे 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 टू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग देन सेल्फ डिनाइल मतलब सिंपल बात है भाई एटीट्यूड में रहते हैं दे डोंट वांट टू नो व्हाट इज फाइनेंशियल भाई हम लोग फाइनेंस जान के क्या करेंगे भाई हम तो नॉन फाइनेंस वाले हैं तो मैं स्पेशली उसे भी वीडियो लाई हूँ जो कि फिनेंस फॉर नॉन फाइनेंस है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है देन टू अर्ली प्लान है ना हो सकता है बहुत ज़्यादा पहले वो प्लान कर लिए रिटायरमेंट का प्लानिंग जो कि ज़रूरत नहीं जब जरूरत जो चीज़ जब जरूरत है वहाँ तब प्लान करना है डिपेंड ऑन द डिफिकल्ट सेविंग्स ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्कीम बहुत सारे ऐसे पुराना इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है उसमें पैसा लगा देते हैं बट आया नया स्कीम आ गया भाई समय चेंज होते रहता है स्कीम चेंज होते रहता है तो आपको भी अपडेट होना पड़ेगा देन माय गोल इज़ टू बिग बहुत सारे ऐसे आदमी हैं ओवरऑल कॉन्फिडेंस होकर बोलते हैं मेरा गोल और एम्बिशन बहुत बड़ा है भाई जैक पॉट कोई लॉटरी मिलेगा मैं जीतूंगा फिर मेरा रिटायरमेंट प्लान हो जाएगा नो डाउंट डू दिस सो दिस आर द सम ऑफ द रीजन वाई पीपल फेल टू देर रिटायरमेंट प्लान देन एक्शन प्लान क्या अगर फेल हो तो आपको अगर इसमें फेल नहीं होना तो क्या करना पड़ेगा भाई आपको प्लान करना पड़ेगा कैसे प्लान करोगे पहले हो गया इट इज़ नेवर टू लेट स्टार्ट है ना सो इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट कभी भी जो है आप मत सोचना कि अभी लेट हो गया जब उठो तब सवेरा जब जागो तब सवेरा ठीक है डिपोजिट एवरीथिंग इन टू द रिटायरमेंट प्लान जो है आपका पैसा जब आप सोचोगे कि हाँ रिटायरमेंट प्लान करना है जो है अब आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए प्लान कर सकते हो रिड्यूस एक्सपेंसेस आपका करंट एक्सपेंडिचर को आप कंट्रोल कर सकते हो है ना जहाँ आप अगर शर्ट चाहिए आपको आ, आ, दो हज़ार का सट पहो जबकि एक हज़ार पहन सकते हो है ना सो रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर जहाँ कटौती हो पाए ये नहीं कि आप खाना ठीक ढंग से नहीं खाओ है न्यूट्रिशंस तो उतना चाहिए भाई जिसमें आपको जो है लग्जरी चीज़ में आपका जो है एक्सपेंडिचर को आप एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सकते हो एम फॉर द गुड पोस्ट टैक्स रिटर्न है ना जहाँ पर कि रिटायरमेंट के बाद जो है टैक्स को कंसिडर करते हुए आपको स्कीम चूज करना पड़ेगा ताकि इनकम टैक्स रिटायरमेंट टाइम में ना लगे रिफाइन योर गोल भाई गोल को आपको बार बार देखना पड़ेगा व्हाट इज योर फाइनेंशियल गोल क्या करना है आपको बंगला खरीदना है गाड़ी खरीदना है है ना और उसके बाद कि वर्ल्ड टूर करना है तो व्हाट इज योर फाइनेंशियल गोल एंड वॉट इज़ योर एम्बिसन उसको प्रायरटाइज करना है उसका मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ प्रायरटाइज क्या करना है कब क्या करना है नहीं करना है प्रायरटाइजेशन नीड और नेसेसरी में अंतर जाना है दैन सेल एसेट दैट डोंट प्रोड्यूस द इनकम जो आपको डेप्रिशिएट एसेट है उसको रखना नहीं है उसको भेज देना जो एप्रिसिएट एसेट है जिसमें वैल्यू इनकम कर रहा है आर्न हो रहा है वो एसेट को आपको रखना है इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट प्लानिंग इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग तो बजटिंग क्या हो तो बजटिंग so क्या होता है बजटिंग मतलब होता है कि आपका क्या का पैसा आएगा कहाँ का पैसा खर्चा करोगे उसको बोलते हैं बजटिंग सो प्रिपेयर योर बजट तो इससे क्या होगा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बजट भाई आपका इनकम जो है कि ट्रैक में रहेगा एक्सपेंडिचर कंट्रोल में रहेगा है ना मेक योर अवेयरनेस भाई आपको अवेयरनेस होप होता रहेगा भी आपको अननेसेसरी खर्चा कहीं ज़्यादा ना हो बेटर कंट्रोल डे टू डे एक्टिविटी आपका लाइफ में जो है कंट्रोल हो पाएगा योर डे टू डे लाइफ विल बी कंट्रोल मनी विल बी कंट्रोल है ना सो so, बजट प्लानिंग करने से ये सब इम्पोर्टेंस है देन कैसे प्रिपेयर करेंगे बजट में एड अप योर इनकम जितना इनकम है उसको ऐड करना है कितना खर्चा है अप टू एक्सपेंसेस देन सब कर देना है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिचे कर दीजिएगा और जो एक्सपेंसेस को खर्चा कटअप कर सकते हैं उसको कट कर लीजिएगा इनकम इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं आप बहुत बहुत सारे मेथड्स है दो वेर यू कैन इंक्रीज योर इनकम देन इन्वेस्टमेंट कॉमेंट बेसिकली आप रिटायरमेंट के बाद ये सब चीज़ क्लैरिटी होना चाहिए पहले क्लियर अब रीजनेबल द गोल आपका गोल जो फाइनेंशियल गोल एम्बिशन जो भी है आप उसको लिखिए और उसको एनालाइज कीजिए देन ऑल जैसे मैंने आपको बताया बच्चा का शादी करना है है ना एजुकेशन देना है है ना आपको पोस्ट रिटायरमेंट का प्लान करना है hmm. तो ऑल दिस गोल्स शुड बी क्लियर एंड दैट हैड टू बी रिटर्न देन ऑल इन्वेस्टमेंट कैरी आउट रिस्क सब इन्वेस्टमेंट जो भी करिएगा उसमें रिस्क होता है किसमें कम रिस्क होता है किसमें ज़्यादा रिस्क होता है डाइवर्सीफाइड मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके पास सौ रुपया है और वन लैक्स रुपीज़ है तो आप फिक्स डिपोजिट कर सकते हो सेविंग्स में रख सकते हो एक बैंक में नहीं रखना अलग अलग बैंक में रखना है और शेयर में सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो और रेंट है घर तो आप रेंट भाड़ा में लगा सकते हो है ना तो आपका जो टोटल पैसा अभी है ना उसको प्रॉपरली मैनेज करना है डाइवर्सिफाइड कर करना कर, कर सकते हो आप है ना देन सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एसेट मिक्स आपका जो एसेट है मैंने आपको जो बताया बॉन्ड में शेयर में सिक्योरिटी में है ना फिक्स uh, डिपोजिट में और uh, आपका एन में है न्यू पेंशन स्कीम है है ना एन है उस सब में इन्वेस्ट कर सकते हो सो इट शुड भी प्रॉपर मेस आपका लिमिट जानना, जानना है आपका डेप्ट का लिमिट आपको आपको एसेस करना है इनकम टैक्स का रूल जानना है सो इनकम टैक्स पेबल है कि नहीं पोस्ट रिटायरमेंट जो इनकम मिलेगा उसके बारे में आपको जानना है कि कोई कोई इनकम में आपको टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा है ना अबाउट द इन्वेस्टिंग होम टिप्स भाई रूमर्स के ऊपर भरोसा नहीं करना है पौजी स्कीम से दूर रहना है सो से नो no, है ना ये सब अवेयरनेस का प्रोग्राम होना चाहिए आपको तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू तो अबाउट द रिटायरमेंट प्लान तो बेसिक मैंने शॉर्ट समय में आपको बता दिया बहुत सारे चीज़ इसमें मैंने में कवर करने का कोशिश किया भाई रिटायरमेंट क्या होता है रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करेंगे और मैंने ऑलरेडी पहला वीडियो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बता चुका हूँ अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप उसको दे सकते हैं ताकि इसके मोस्टली रिलेटेड है देन यू कैन योर अंडरस्टैंडिंग विल बी क्लियर थैंक यू वेरी मच फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग